आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवेन अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इन टू कॉन हुज बेस रेडियस इज 16 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन मतलब एक स्फेयर था हमारे पास उसको मेल्ट किया गया पिघलाया गया उसके बाद पिघला के उस, उस सेम मटेरियल से एक कोन बनाया गया तो जो कोन बनेगा उस पिघलाने के बाद उस मटेरियल से उसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है ओके तो एक चीज हमें इसमें पता होना चाहिए कि जो इस्फेयर था मान लीजिए ये स्फेयर इस था इसको कन्वर्ट किया गया पिघला के एक कोन में ओके दिस इज लाइक दिस इसको ये ऐसे था इसको पिघला के ऐसे बनाया गया तो ऐसे जो बनाया गया उसकी हाइट कितनी होगी इस कॉर्न की वो हमें बताना है जो भी हो लेकिन एक चीज तो पक्का है कि इसका जो वॉल्यूम होगा विल बी सेम एज दिस वॉल्यूम ऑफ दिस दिसकॉन दोनों का वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम होगा ओके तभी यह संभव है कि उतना ही बड़ा बना सकते हैं जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम लेके इसकी हाइट रख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसके ज्यादा हाइट रखेंगे इसके वॉल्यूम से यदि ज्यादा भागेगा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा बन ही नहीं सकता ना क्योंकि मेटल तो आपके पास इतना ही है जितना इसके पास था स्पेयर के पास तो वॉल्यूम विल बी सेम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन पिघलाने के बाद तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³ और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h राइट राइट तो आप ध्यान से देखो तो 3 और 3 कैंसिल आउट पाई पाई कैंसिल आउट यानी 4r³ विल बी इक्वल टू r² h ओके अब r का वैल्यू क्या होगा r अलग-अलग है बाय द वे यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर वन आर टू क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम का जो रेडियस है स्पेयर uh, का जो रेडियस है वो ट्वेल्व है और कौन का रेडियस जो है वो सिक्सटीन है दोनों अलग अलग है तो इसका क्या है ट्वेल्व राइट right? यानी यहाँ पे लिख देंगे फोर इन ट्वेल्व का क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर टू की वैल्यू सिक्सटीन दी हुई है ओके okay? सिक्सटीन स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन का स्क्वायर इंटू एच अब हमें एच पता चल जाएगा क्या होगा ये क्या होगा ट्वेल्व इंटू क्यूब विल बी वॉट विल बी फोर इंटू वन सेवन टू एट ओके एंड इसको यदि आप एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता है कितना हो जाएगा सिक्स नाइन वन टू सिक्स नाइन वन टू विल बी इक्वल टू सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स इंटू एच टू फिफ्टी सिक्स इंटू एच इसको आप डिवाइड देंगे सिक्स नाइन वन टू डिड बाई टू फिफ्टी सिक्स विल बी इक्वल टू एच ओके जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये मिलेगा सत्ताईस ट्वेंटी सेवन विल बी एच ओके एंड दिस इज वॉट वी द कॉन विच इज